तो गाइज हम लोग हैं यहाँ पे राम झूले में। गाइज यहाँ पे हनुमान भगवान की स्टोरी दी हुई है, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। जगह कमाल के ऋषिकेश, बस एक ही कमी है ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह पे। तो हाय गुड मॉर्निंग गाइज, तो चल पड़े हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर, बस मिल गई है। तो भाई हरिद्वार से ऋषिकेश तो आए हम लोग सिर्फ 50 रुपये में, क्योंकि हम आए सरकारी बस में। दिक्कत ये है कि अगर आप लोगों को सरकारी बसेज वगैरह नहीं मिलेगी तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे जाने वाले हैं, वो आप लोगों को आगे की वीडियोस में पता चली जाएगा। तो भाई जैसे हम लोग ऋषिकेश में उतरे तो हम लोग राम झूले की ओर चल पड़े, क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद था। लक्ष्मण झूला बंद इसीलिए है क्योंकि उसके जो पोल्स हैं वो थोड़े वीक हो गए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो इसीलिए बंद किया गया, और जो कि अच्छी बात है भाई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीज़ों की, चाहे वो हरिद्वार हो या फिर हो आपका ऋषिकेश, चीज़ें इतनी कमाल की मिलती है जो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती जाती है। यानी कि पैसे खर्चने के लिए आप लोगों के पास पैसा होना चाहिए, बाकी यहाँ पे खर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ है आप लोग। तो ये था फर्स्ट गंगा का सीन जो हम लोगों ने देखा। ऋषिकेश में गंगा काफ़ी दूर तक फैली हुई है, लेकिन हाँ इसका बहाव काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू हरिद्वार। तो चलो भाई अब मैं आप लोगों को तेज़ी से लेके जाता हूँ राम झूले की ओर। तो मेरे भाइयों ये थे राम झूले के पहले दर्शन। भाई जब देखा था तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। तो भाई काफ़ी लंबा चौड़ा ये वाला ब्रिज है, और जब आप लोग इस पे आओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस पे सिर्फ इंसान ही नहीं चलते, इस पे आपको गाड़ी तो नहीं बल्कि बाइक और स्कूटी वगैरह चलते हुए दिख जाएंगे। मतलब पुलिस वगैरह ने अलाउ कर रखा है, जो कि कई बार काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। हाँ और भीड़ आप लोग देख सकते हो, भीड़ काफ़ी कमाल की और काफ़ी ज़्यादा ये हिलता है। अगर इसको राम झूला बोला जाता है तो ये सही में झूला देता है भाई। तो गाइज हम लोग हैं यहाँ पे राम झूले में, तो राम झूला भाई हिलता है काफ़ी ज़्यादा। बंदे इधर वो लेके आते हैं स्कूटी बाइक वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा रश रहता है, बाकी अभी रश थोड़ा कम हो गया है। बाकी इससे पहले इतना रश था कि हम लोग वीडियो तक भी शूट नहीं कर पा रहे थे। मज़ा है चारों ओर गंगा है, ये और ये राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं बंदे। जो नेहरू वाले वो नेहरू के पुल से ज़्यादा नहीं रहता, टेंशन नहीं लो। लेकिन हाँ बड़ा काफ़ी है, वो आप लोगों ने देख लिया ऑलरेडी वीडियो में। और ये है यहाँ पे राइडर नंबर 2। तो भाई सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसके जो पोल्स है वो थोड़े स्टेबल नहीं है अब, इसीलिए राम झूले पे आओ और जानकी झूले पे जाओ। ऋषिकेश में एंट्री राम झूले से, घूम के जाना है जो पूरा ये राम झूला है उसका, घूम के जाना पूरा घाट और सामने उधर कहीं जानकी झूला है। तो ऋषिकेश में भाई माहौल कुछ ऐसा है कि बंदे यहाँ पे बीच का मज़ा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इधर देखो पूरे का पूरा इसको बीच बना रखा है पूरा, शायद हम भी जाएंगे वो बताते हैं बाद में। भाइयों इस बीच पे जाने का और घाट पे सोने का वो हम लोगों ने प्लान बना दिया है, अभी नहीं तो वापसी में ज़रूर। इस वाले व्लॉग में शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिटर्न में व्लॉग बन रहा है उसको जरूर देखना भाई, जरूर यहाँ पे घाट पे सोएंगे भी और बीच पे जाएंगे भी। तो गाइस ऋषिकेश में ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट, और ये है अपने चोटी वाले बाबा, ये यहीं पे बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या सीन है, रश भी आया काफ़ी। गाइस ऋषिकेश के एक और घाट पे आप लोगों का स्वागत है, पता नहीं कौन सा घाट है, पीछे गंगा माँ है। यहाँ पे ये बोट वगैरह आती है 10-15 रुपये में, पूरा ये ट्रैवल करवाती है। राफ्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, हम लोगों को लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगी, लेकिन 650 रुपये में 12 किलोमीटर की राफ्टिंग है, तो वो तो करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी तक सैलरी का कुछ पता नहीं है, सैलरी अभी तक आई नहीं है। अगर आएगी तो फिर नहीं कर पाएगी। हाँ अगर आएगी और हम यहाँ से चले गए तो फिर शायद कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ वैसे ऋषिकेश घूमने वाला एक जगह बहुत ही कमाल है, मंदिर आश्रम वगैरह की कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे, और माहौल तो आप लोग देख ही सकते हो बिल्कुल एकदम डिवोशनल टाइप फील आएगा आप लोगों को, कि मतलब कि भक्ति संगत में आ गए हो आप। और चारों ओर ये देखो कितनी कमाल की चीज़ है, ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें आप लोगों को मिलती जाएगी। तो अभी हम लोगों ने लगभग आधा घाट घूम लिया है, उस साइड से हम लोग आ गए हैं, वो वाली पूरा रास्ता घूम के
इस झूले पे आके, राम झूला ही है, उस झूले पे आके हम इस घाट पे अभी। तो ओवरऑल जो हम बताए कि मज़ा तो बहुत आ रहा है, बस थोड़े से पैसों का इंतजार है, कब तक आएगी सैलरी देखते हैं। भाइयों, खाने की चीज़ें तो ऋषिकेश में सारी की सारी अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ रिकमेंड कर देता हूँ। आलू टिक्की ज़रूर खाना यार, आलू टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल मतलब मेरे को अपने उधर नेरवा एक जगह है वहाँ के टेस्ट की याद आ गई यार, बढ़िया, मतलब ना ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल डिसेंट टेस्ट है यार, उसको ज़रूर चखना। बाकी आप लोग गलियाँ तो देख ही रहे हो, ऋषिकेश की गली एक ही गली है जहाँ पे दोनों ओर पे शॉप्स है, ATM वगैरह वहाँ पे कहीं काम करते कहीं नहीं करते, तो इस बात का भी ध्यान रखना ब्रो। और बाकी मनी एक्सचेंज करवाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है, और काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे गूगल पे और फ़ोन पे नहीं चलता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। गाइस, ऋषिकेश के एक घाट से आप लोगों का स्वागत है। हम बिल्कुल गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, और भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों के थोड़े खाने की बातें कर लेते हैं। ऋषिकेश का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हरिद्वार। हरिद्वार में आप लोगों को चीप चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन वो खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं करती, ऐसा मतलब मुझे लगा। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो भाई ऋषिकेश में भी फूड काफ़ी ज़्यादा चीप है और टेस्टी भी है। और अगर आप लोग ऋषिकेश आते हैं, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को जगह जगह पे घाट पे नहाने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने डुबकियाँ मारी नहीं है, जैसे हरिद्वार में मारी थी, तो आज इधर भी देखते हैं कब वो टाइम आता है, शायद संध्या आरती में। और के बाद ऋषिकेश में आरती का माहौल, यहाँ पे हनुमान भगवान की स्टोरी दी हुई है, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अगर समझ आ पाए या फिर हम लोगों को समझ पाए सही से, बाकी आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना। तो गाइस, यहाँ पे हुआ है हनुमान भगवान का जन्म, और ये देखो बचपन में उन्होंने सूर्य को खा लिया था ना, वो सीन है। उसके बाद श्री राम की शरण में आई, ये भी वही है ब्रो, श्री राम की शरण में। उसके बाद सीता माता के पास गए थे लंका, उसके बाद रावण को डराया था रावण की सभा में, उसके बाद लंका को जलाया था पूरी की पूरी लंका को, उसके बाद श्री राम भगवान के पास वापसी आए थे, उसके बाद नागलोक से राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को लेके आए थे, उसके बाद राक्षसों का विध्वंस करना चालू किया था। जब लंका की ओर जा रहे थे, तो फिर शायद ये समझ नहीं आया कुछ, ये यहाँ पे संजीवनी लेके आ रहे हैं, जब यहाँ पे लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़े हुए थे नागपाश से, और ये यहाँ पे राक्षसों का विध्वंस किया है, और ये है लास्ट में उनका रूप, और ये है यहाँ पे हमारे हनुमान भगवान। ऋषिकेश में बहुत ही कमाल का फील आ रहा है भाई, अभी आरती का टाइम हो रहा है, तो ऋषिकेश में भी आरती है। अब आप लोग ये वाला बैग देख रहे होगे हम लोगों के पास, तो वो है ही है हम लोगों के पास, यहाँ पे सूर्य भगवान है शायद, ये सूर्य भगवान, और नीचे शिव भगवान की कमाल की मूर्ति, हम उसके दर्शन करवाते हैं। वही परमार्थ निकेतन से बाहर निकलते हुए बहुत ही कमाल का फील आया वहाँ पे। अब देखो पीछे रश कितना है, सारे के सारे बंदे आरती के लिए जा रहे हैं, और आरती तो यहाँ की भी कमाल है यार, तो मतलब कि गंगा माता के किनारे जितनी भी आरती है वो कमाल की होती है, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे वो ऋषिकेश हो, तो बहुत अच्छा लगा। ज्वाइन नहीं किया, हाँ आज तक कभी गए नहीं थे, तो इसीलिए पता नहीं था कि इतनी कमाल की आरती हुई थी। हम लोगों ने तो गरीब तक की आरती है रे, ध्यान से गाइस, यहाँ पे
ये बेचारी छोटा सा बछड़ा है वो गिर गया था, लेकिन अभी सब सही है, वो भी अपने पाँव पे खड़े हैं और हम भी अपने चल रहे हैं धीरे धीरे। अब सोच रहे कुछ खा लेते हैं यार, शाम के कितने बज रहे हैं मिंटू? मैं भी आपके साथ ही देखता हूँ टाइम, 7:03, ठीक है 7:03 हो गए हैं और अभी तक भी काफ़ी उजाला है, गर्मी का मौसम है इसीलिए। और चलते इधर से व्हीकल्स वगैरह भी चले रहते हैं, सिर्फ 2-व्हीलर्स, बाकी सब कुछ बंद है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर बाद कुछ खाने पीने के बाद। जगह कमाल के ऋषिकेश, बस एक ही कमी है, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह पे डस्टबिन्स कम है, जिस वजह से जगह जगह पे आप लोगों को कागज़ वगैरह पड़े हुए मिलेंगे। तो हाँ भाई, अगर कोई काबिल इंसान सुन रहा है तो डस्टबिन वगैरह के प्रोविज़न दे दो यार, बहुत ज़्यादा हम लोग भी कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाहर के बंदे आते हैं उनमें एक दिमाग तो होता ही है कि कम से कम प्लास्टिक वगैरह इधर उधर नहीं फेंकना है, लेकिन विदाउट डस्टबिन करे भी तो करे क्या, बैग्स वगैरह भर जाते हैं, तो उस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। बाकी तो यार कमाल है, चल रहे हैं नहाने। कैसा लगा ऋषिकेश का? ऋषिकेश में भाई बहुत मजा आया, आरती में भी काफी ज्यादा मजा आया, हरिद्वार में भी मजा आया था, ऋषिकेश में भी मजा आया था। डुबका जरूर मारना, ऋषिकेश का पानी हरिद्वार से ठंडा है लेकिन काफी मजेदार है। ऋषिकेश भी आना एकदम कमाल का, बस हमारा दिन को बन रहा था प्लान। वो पीछे राम झूला है, ये राम झूला और वो जानकी झूला है और ये ऋषिकेश है। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय।